हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यंग बीस्ट फिटनेस। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है, हम बात करेंगे आज डीसी के न्यूली लॉन्च प्री वर्कआउट के बारे में। तो कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, क्या आपको प्री वर्कआउट लेना है ये वाला या नहीं लेना है। तो बने रहो वीडियो में, वॉच लाइन, वी विल बी बैक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, डॉक्टर चॉइस ने अपने दो न्यू प्री वर्कआउट लॉन्च किया जिनका नाम है ट्रैको सीरीज। एक है ट्रैको पावर और एक है ट्रैको और ट्रैको पंप, तो ऐसे के नाम है दूसरे वाले का। एक ग्रीन है, एक रेड है। तो ट्रैको, देखिए ट्रैको पावर जो है वो एक्चुअली उनके लिए बनाया गया है। स्पेशली ये डिज़ाइन किया डॉक्टर चॉइस ने, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखा। जिनको इचिंग नहीं होती या खुजली नहीं होती किसी भी प्री वर्कआउट को लेने से, तो वो ट्रैको पावर ले सकते हैं। और जिनको कोई भी कैफीन या फिर कोई भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने पे इचिंग खुजली होने लग जाती है, तो वो ट्रैको पंप की तो और जा सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है डॉक्टर चॉइस का, जिन्होंने ये प्लस पॉइंट है जिन्होंने एक मेंटेन रख के कस्टमर के तौर पर इस चीज़ को रख के ये दो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। प्राइस फैक्टर के बारे में इसको बताऊँ तो आपको ये 500 या 600 रुपये का इसका प्राइस फैक्टर प्राइस है। तो आप इसलिए जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको लेना है या नहीं लेना है। डू यू रियली नीड टू प्री वर्कआउट? अगर आप यंगस्टर हो या फिर आपको, देखिए सबसे पहले प्री वर्कआउट की जरूरत किसको पड़ती है। सपोज कीजिए आप डेली 8 से 8 to 8 वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रैवल करके घर आते हैं या फिर जिम जाते हैं, उसके बाद देखिए आप ट्रैवल करते हो, 8 to 8 जॉब करते हो, उसके बाद अगर आपका जिम का रूटीन है और आपका बहुत ज़्यादा थक जाता है, फिर आपका मन नहीं करता, तो यू हैव टू नीड प्री वर्कआउट। या इसका अल्टरनेट मैं आपको बताऊंगा, अभी एक अल्टरनेट ऑप्शन भी आपके पास है। तो उन बंदों को प्री वर्कआउट की जरूरत है। अब क्या होता है यंगस्टर में, क्या होता है कि अगर ये प्रोटीन ले रहा है, ये सप्लीमेंट ले रहा है, ये सप्लीमेंट ले रहा है, तो मुझे भी लेना होगा, तभी मेरी बॉडी रिजल्ट दिखाएगी, मेरी बॉडी में भी ऐसा पंप आएगा। तो ऐसा नहीं, अगर आप कोई भी काम नहीं करते, पूरा दिन खाली बैठे हो, खाली आप जिम जाते हो, आप स्टडी करते हो, उसके बाद आपके पास फ्री टाइम है जिम जाने के लिए, तो आपको ज़रूरत नहीं है प्री वर्कआउट की। तो उसके अंदर आप अपने पैसे को वेस्ट मत कीजिए, आई सजेस्ट यू। अगर आपने फिर भी ज़्यादा खुजली है तो अल्टरनेट में इसका बताऊँ, आप एक कैप, देखिए मेन इन्ग्रीडियंट सबसे पहले देखिए आपको बता रहा हूँ मेन इन्ग्रीडियंट क्या होता है प्री वर्कआउट में, इज कैफीन, जो कि आपको एक नॉर्मल किसी भी जनरल स्टोर पे कॉफ़ी में मिल जाएगा। 5 रुपए की एक कॉफ़ी बना लेना, वॉर्म वाटर में पी के जाओगे ना, वैसा भी पंप मिल जाएगा। बट मैं रियली बताऊँ, मैंने आज तक कोई कॉफ़ी पी के कभी नहीं जाता मैं, या फिर कभी मेरे को हैबिट नहीं हुई इस चीज़ की कि मेरे को प्री वर्कआउट की ज़रूरत पड़े या फिर मेरे को इस चीज़ को लेके वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़े, तो मैंने कभी नहीं लिया। तो आई विल सजेस्ट यू कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यू हैव नॉट टू नीड दिस सप्लीमेंट। अगर आपके फिर भी चूल है तो यू गो इट। बट ये उनके लिए है जिनका, जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं, ये उनके लिए सप्लीमेंट होता है, ना कि आपके लिए जो आप बेसिक खाली अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो। आपको, आप यंगस्टर हो, आप स्कूल बॉय हो या पढ़ एजुकेशन करते हो, तो आपके लिए नहीं, आप प्री वर्कआउट की तरफ ना जाए, मैं आपको यही बोलूँगा। आपने बस सिंपल जो जो फंडामेंटल, जो बेसिक फंडामेंटल जो सप्लीमेंट है, क्रिएटिन, प्रोटीन, दैट्स इट, आप ये ले सकते हो। जरूरी नहीं है आपको कौन सा इंटेंस वर्कआउट करना है कि आपको प्री वर्कआउट की जरूरत पड़े। तो बस मैं यही बताना चाहता हूं कि अपने पैसे जितने हो सके सेव करो। देखिए पैसा बहुत मुश्किलों से कमाया जाता है, तो जितना हो सकता है उसको सेव कीजिए। आपका इंटेंस वर्कआउट नहीं तो आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप फिर भी जो आप ऑफिस वाले बंदे हैं या जो इंटेंस वर्कआउट करते हैं, प्लीज यू गो विथ इट। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप जाके ले सकते हो और इसकी हैबिट ना बनाओ। जिनको नहीं है, मैं प्लीज सजेस्ट करूंगा कि प्री वर्कआउट या कैफीन की हैबिट ना लो। तो आज की वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक। लव यू गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जल्दी से 15,000 सब्सक्राइबर माइलस्टोन पूरा करा दो। लव यू ऑल, बाय।